हाय दोस्तों, मैं सक्षम और मैं आप लोग को एक चीज बताने जा रहा हूँ। जो भी लोग फ्रेशर्स हैं, जो अभी कॉलेज से पास आउट होके और इस लॉकडाउन के चक्कर में घर में बैठे हुए हैं और कहीं पे जॉब सर्च करने के लिए जा नहीं रहे हैं, जैसे कि बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब जगह पे जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये यही तो मतलब हब है, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए हब माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है सबके लिए है, ठीक, ऐसा नहीं है कि आपके लिए है। तो आज देखिए, आज अगस्त 3 अगस्त हो गया, ठीक है। आप घर पे बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि कब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम कहीं पे जाएंगे जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम फालतू में खराब ना करें, ठीक। आपको करना क्या है, मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आज बताऊंगा, जो मैंने फेस किया है। इंटरनेट और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मैंने तो सारा निकाल लिया, सारा पेपर क्लियर कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग सारा कुछ निकालते विकालते नहीं है, कहीं ना कहीं सब लोग ठोकर खाते ही हैं, ठीक है। कोई कोई महारथी होते हैं, ठीक है, उनका निकल जाता है। तो दोस्तों, मैं सिंपल एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला बात, आप कॉलेज से पास आउट होकर घर पे हैं, ठीक, लॉकडाउन है, तो अभी आपको करना क्या है। देखिए, जितनी सारी कंपनियां हैं आज के डेट में, सारा आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, ठीक, वो उसको बोलते हैं रिटन टेस्ट। जितने भी सारी कंपनीज हैं उनका जो सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला उसमें रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में पहला एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल, उसको बोलते हैं टेक्निकल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो टेक्निकल आप उसको रख दीजिए कि आपने जो पढ़ाई किया है और जो आपका इंटरेस्ट है, लाइक जो लोग मेजोरिटी लोग आईटी में जॉब सर्च करते हैं और आईटी में आते हैं और आना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब लॉजिक्स कोडिंग हो गया, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जावा, सी और जो भी एम्बेडेड, वो टेक्निकल मैं वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बताता हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, ठीक है, एप्टीट्यूड, तो अभी घर पे आप बैठे हैं तो आपको भी करना क्या है। मैं आपको क्लियर बताने जा रहा हूँ, टाइम बर्बाद ना करें। एप्टीट्यूड रीजनिंग हर एक कंपनी ही पूछती है, पहला रिटन टेस्ट। अगर एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और एवरेज भी है तो आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ भाई, मैंने धक्का खाया, मैंने ठोकर खाया हुआ है, तो उस चीज़ को मैं आप लोग के सामने बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आईटी में जॉब करता हूँ और 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट इन बैंगलोर। मैंने पीछे बहुत, मेरे को नहीं पता था कि क्या एप्टीट्यूड और क्या टेस्ट होता है कंपनीज में और क्या रिटन टेस्ट होता है। फिर मैंने अपने आप को एनालिसिस करके, मार्केट एनालिसिस करके, तब मैं सब चीज़ समझा। तो पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, आज 3 अगस्त है, आपको नया नोटबुक लेना है, नया पेन लेना है, राइटोमीटर या जो भी, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, मैं ये पेन मुझे बहुत पसंद है, तो ठीक है, नया कॉपी लेना है, नोटबुक, ठीक। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल का बुक नहीं है, आर एस अग्रवाल से अच्छा बुक मैंने आज तक देखा ही नहीं है। अगर जो लोग और इस चीज़ की तैयारी के लिए एप्टी और रीजनिंग अगर आपको जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों, तो पहला आज 3 तारीख है, आर एस अग्रवाल का बुक लेना है। अगर अवेलेबल नहीं है बुक तो आपको उसका ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड करना है, आर एस अग्रवाल का एप्टीट्यूड देन रीजनिंग, ठीक हो गया। और आपके कॉपी में, नोटबुक में आज का डेट डालना है और उसमें आपके मतलब टॉपिक्स डालने हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड, तो उसका मतलब टॉपिक तैयार करना है। तो जैसे टॉपिक क्या हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन हो गई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, फिर पार्टनरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर है, ठीक है, फिर बोट एंड स्ट्रीम्स है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मतलब उसी से क्वेश्चन सब आते रहते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद आपको पहला एप्टीट्यूड हो गया, तो आपको कॉपी में टॉपिक लिखना है, पहला टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक। और क्या कीजिए कि आर एस अग्रवाल के बुक से उसका कंसेप्ट लीजिए, ठीक, और वो सीख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद, ठीक, एक टॉपिक जैसे कंप्लीट हुआ, फिर आप जाइए ऑनलाइन, गूगल, सबके पास एंड्रॉयड फोन है भैया, दो चीज, दो ही साइट, ज्यादा नहीं,
पहला इंडिया विक्स और दूसरा M4 मैथ। इंडिया विक्स पे सारे कंपनी के प्लेसमेंट पेपर्स रहते हैं और सैंपल्स रहते हैं, और M4 मैथ पे भी रहते हैं, और उस पे टॉपिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहता है। जैसे टाइम एंड, आप एप्टीट्यूड में सर्च कीजिएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस आता है, उसका प्रॉब्लम्स, तो ज़्यादातर कंपनी वहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं। तो पहला इंडिया विक्स, अगर एक टॉपिक हमारा जैसे टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया RS अग्रवाल के बुक से, तो हम क्या करेंगे, वही टॉपिक के सारे क्वेश्चन हम जाएंगे इंडिया विक्स से उठाएंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद M4 मैथ पे जाएंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम जो मेजर मेजर टॉपिक्स है जैसे परसेंटेज, पार्टनरशिप, जैसे मैंने आपको बताया है, और जो भी जो टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड में, जैसे जैसे आपका कवर होते जाएगा वैसे वैसे आप साइमल्टेनियसली उस प्रोसेस को फॉलो करते रहिएगा। जैसे आज हमारा परसेंटेज का खत्म हो गया है इससे RS अग्रवाल के बुक से, तो हम जाके साइमल्टेनियसली हम इंडिया विक्स पे और M4 मैथ पे जाके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। फिर दूसरा टॉपिक, और उसको डे बाय डे डिवाइड कर दीजिए। आज 3 अगस्त 2020 है, तो आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कल मतलब 4 अगस्त है तो हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। घर पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, हम कुछ करेंगे, हम सीखेंगे, तब जाके हम एक बार जब यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास कुछ कंटेंट होगा, और कंटेंट होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। नहीं तो जब मतलब खाली आपके पास कुछ नहीं है नॉलेज, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस कब आती है, कॉन्फिडेंस तब आती है जब आपके पास यू हैव समथिंग, राइट, और कि हम कॉन्फिडेंट है कि आई कैन सॉल्व टाइम एंड डिस्टेंस कोई भी एप्टीट्यूड का, हमको अगर पेपर मिलेगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। सपोज कि आप सितंबर में बैंगलोर में आते हैं और आपको मालूम चला कहीं पे कि आज इंफोसिस का वॉक इन है, ठीक है, तो आप सोचोगे अरे यार मेरे को एप्टी नहीं आती है तो मैं कैसे फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है, तो फिर तो रह गए ना। जब आपके पास सारा कुछ रिटर्न राउंड के लिए आपके पास सब कुछ है ही, आपके पास तक तैयार है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं और आपका चांस है कि पॉसिबिलिटी है होने का उसमें, ठीक है। तो ऐसे करना है, पहला एप्टीट्यूड वो खत्म हो जाए, देन रीजनिंग RS अग्रवाल के बुक से, या हाँ RS अग्रवाल के ही बुक से, ठीक है, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, और उसके बाद वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप RS अग्रवाल के बुक से कंसेप्ट तैयार कीजिए, और फिर साइमल्टेनियसली यू कैन फॉलो द प्रोसेस, पहला इंडिया बिक्स, दूसरा M4 मैथ, ठीक। और जब आपके पास कुछ कंटेंट तैयार हो जाता है, देन अगेन यू कैन गो टू इंडिया बिक्स और M4 मैथ, और उसमें कंपनीज के प्लेसमेंट पेपर्स रहते हैं, जैसे टेक महिंद्रा, कैप जिमनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, TCS, मतलब ठीक है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट पेपर रहते हैं, ठीक है। आप जा के उस प्लेसमेंट पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, तब सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तभी ना। तो वही मैं बताया कि RS अग्रवाल से फंडामेंटल स्ट्रांग कीजिए और फिर उसी सारे क्वेश्चन को आप लगाइए इंडिया विक्स, ठीक। तीसरा पजल्स हो गए, वो भी पूछे जाते हैं, तो उस चीज पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं M4 मैथ और इंडिया विक्स से, ठीक। और एक और चीज, हम लोग ने आपके लिए एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है skillbout.com करके, मतलब skillbout SKILLBOUT, वहाँ पे छोटे छोटे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब के छोटे छोटे क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स हम लोग ने डालना शुरू कर दिया है, एज ए डाउट क्लियर सेशन आप बोल सकते हैं, कि वहाँ पे जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और भैया हम आपको बता रहे हैं, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मेरे दोस्त, बहुत सारे चीज़, बहुत लोग से मिलोगे, बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, ये पढ़ो, उधर से पढ़ो, उधर से पढ़ो, भैया कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करने का ज़रूरत है। पहला, नया कॉपी और नया नोटबुक लेंगे, उस पे लिखेंगे जय माँ सरस्वती, ठीक, और डेट डालेंगे, और उसमें हम जैसे बताएं RS अग्रवाल का बुक लेंगे, पूरा फॉर्मूला वाइज उस पर लिखना, प्रैक्टिस करना कॉपी पे शुरू करेंगे, ठीक। फिर हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, फिर हम उसमें डालेंगे www.indiabix.com, www.m4math.com, वहाँ से साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक। और बस यही 3 चीज करना है एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और एकदम डे बाय डे अपना एक एजेंडा बना के चलो कि आज हमको ये टॉपिक खत्म करना है, आज नहीं हो पाया, ठीक है, कल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन स्टार्ट आज ही करना है,
ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, प्लान बना के चलो, घर पे पूरा टाइम आपके पास है, खामखा इसको व्यर्थ ना करें, रिक्वेस्ट है। सो पहला राउंड हम आपको बता दिए। दूसरा क्या होता है कि जीडी होता है, तो जीडी में क्या चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल किस लिए चाहिए, द वे ऑफ टॉकिंग, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसका आप मतलब उसको समझा पाते हैं कि नहीं, मतलब सही ढंग से आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जीडी में आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे सेकेंड राउंड में। पहला राउंड क्लियर है ना भाई, पहला राउंड कैसे होता है मैंने बताया ना, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो टेक्निकल आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपको सी जावा जो भी चीज़ है, और सी शार्प, एम्बेडेड सिस्टम, तो वो आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं उसमें नहीं बोल पाऊँ, नहीं बोलूँगा और नहीं बताऊँगा कि आप कैसे, वो आपके हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, तो वो जैसा आपका मतलब जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसा आपने तैयारी किया टेक्निकल का, ऑफ कोर्स आप लोग बीटेक ग्रेजुएट हैं तो ठीक है, तो वो टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड इज नॉट लाइक ओनली एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, गॉट इट। उसका सॉल्यूशन आपको मैंने बतला दिया। दूसरा जीडी, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें क्या होते हैं कि आप जाइए कि जीडी के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके उसके बारे में आर्टिकल वो गूगल कीजिएगा, तो जीडी टॉपिक्स, ठीक है, तो उसमें रहता है कि पॉलिटिक्स हो गया, उसके बाद उसमें रहता है कि लिविंग रिलेशनशिप, फिर उसके बाद अबाउट सिटी, ठीक है, क्या चीज़ सही होना चाहिए क्या नहीं, मतलब जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, टॉपिक कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग समझते ही हैं शॉर्टकट की कम्युनिकेशन स्किल क्या है, द वे ऑफ टॉकिंग और द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। ओके, ठीक है, तो उस चीज़ को आप एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मतलब कोई कोई टॉपिक है उसको हमको बोलना है, किसी को समझाना है, डेट्स इट। दूसरा, सेकंड क्लियर हो गया। तीसरा टेक्निकल, जो आपसे जो आपके पास नॉलेज है उसी को आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो टेक्निकल नॉलेज आप मोस्टली जावा के लिए जा रहे हैं और सी प्रोग्रामिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो जो आपने सीवी में लिखा है, जो आपने रिज्यूमे में लिखा है, तो उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको आपको मतलब मेक हिम और हर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, मतलब आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है, थिंक को प्रॉपर वे से आप उसको कम्युनिकेट करके समझा सकते हैं, तो यहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। ठीक, तो वो आपके हिसाब से टेक्निकल। फिर उसके बाद एचआर होता है, तो उसमें भी सेम चीज़, ठीक है भैया, बस यही चीज़ है, इतना ही है एचआर राउंड में, और ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं होता है, सैलरी डिस्कशन है। और एक और चीज़ भैया, अगर कोई भी जॉब अगर आपको लगता है कि ये हमारे करियर को बेनिफिशियल रहेगा और इसमें हम अपना करियर अच्छा कर सकते हैं और आपके फील्ड से रिलेटेड है और उसमें सैलरी कम है, नो नीड टू वरी एट ऑल भैया, ज्वाइन कर लेने का पहले, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का नहीं। अगर आपको लगता है कि ये रियली मतलब मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ और आप वही जॉब सर्च कर रहे हैं और उसमें सैलरी कम है, तो भैया सैलरी प्लीज मत देखना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और यही चीज़ है, घर पे टाइम बर्बाद मत करो, और कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ा हूँ, ऑलमोस्ट मैं सारा कुछ बतला दिया हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं करने का। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में डाउट है हमको बताइए। और एक और, रिज्यूम, सीवी को कैसे बिल्ड करना है, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, तो हम एक रिज्यूम बिल्डिंग सेशन हम लेंगे, ठीक है, उसमें हम आपको फ्रेशर के लिए जो सीवी का सैम्पल होता है वो सब हम आपको समझाएंगे, कैसे बनाते हैं सीवी फ्रेशर के लिए, कैसे कैसे कंटेंट डालते हैं, कैसे कहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, तो सैंपल के लिए भी आप हमको, ठीक है, मैं एक सेपरेट सेशन रखूँगा सीवी कैसे बनाते हैं। तो पहले अभी सीवी वीवी के बारे में नहीं देखना है, अभी लॉकडाउन का टाइम है बाबू बहना दोस्तों, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं सब कुछ लाइफ में तो अच्छा रहता है, ठीक है, हम मतलब सीधा हम जंप नहीं करने का कोशिश करना है, छलांग नहीं मारने का है, तो पहले कंटेंट रेडी कीजिए इस लॉकडाउन में, सी, ठीक है, बस मैंने बता दिया, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। और नोटबुक और पेन मैं अभी अभी भी आपको बोलूँगा, ये कहीं से कहीं कूड़ा कचरा में फेंका हुआ 3-4 साल पुराना कॉपी मिल गया तो नहीं, एकदम मतलब नया जोश के साथ, नया उम्मीद के साथ कि हम इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और इस चीज़ को ठान लिए तो करके ही रहेंगे,
ठीक है, और टारगेट दीजिए 3 अगस्त है, 3 सितंबर तक अगर लॉकडाउन है तो 3 सितंबर तक हमारे पास इतना कंटेंट रेडी हो जाएगा, हमारे नोटबुक में इतना कंटेंट तैयार हो जाएगा और हम सारे टॉपिक्स हम लगा चुके होंगे इंडिया विक्स और इंफोमैथ से। भैया इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि और कुछ करने का जरूरत है। यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो मिलेंगे, ठीक है, फालतू का, ठीक है। तो यही बहुत सिंपल चीज है भैया, सिंपल को लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और मैंने बहुत सारे एप्टीट्यूड राउंड में रिजेक्ट हुआ फिर सेलेक्ट होता गया, ठीक है। तो मैं जानता हूँ फेल्योर फेल कैसे होते हैं और फिर उस चीज को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसा ऐसा करना है आपको और आप लोग प्लीज करना शुरू कर दीजिए, फालतू में ज़्यादा कुछ देखने का और सोचने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपको तरह तरह के बात बोलेंगे, बोलेंगे कि इधर से प्लेसमेंट पेपर डाउनलोड करो, उधर से कोक्यूब्स का पैटर्न निकालो और ये करो। नहीं, आपको जैसा जैसा मैंने बताया एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए बस उतना ही करना है, नॉट मोर देन डैट। तो अब हम समराइज कर लेते हैं। पहला, आज हमें कॉपी खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, RS अग्रवाल का बुक नहीं है तो हम उसका PDF डाउनलोड करेंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, ठीक। फिर वहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक लगाना शुरू करेंगे, फिर एक टॉपिक RS अग्रवाल के बुक से हमको क्लियर हो गया तो फिर से जाएंगे इंडिया बिक्स पे, वहाँ से एक टॉपिक सेम टॉपिक उठा के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर इंडिया बिक्स हो गया तो M4 मैथ पे जाके सॉल्व करेंगे। बस भैया यही 3 चीज है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग और कोई भी रिटन इंटरव्यू क्लियर करने के लिए दोस्त, अदरवाइज भटकते रह जाओगे। हम बोल रहे हैं अभी टाइम मत खराब करो और आओ कंटेंट के साथ और एकदम यू विल गेट अ जॉब, आई एम 100% श्योर, आई एम 100% श्योर यू विल पक्का गेट अ जॉब इफ यू आर फॉलोइंग दिस थिंग्स, ठीक है। ज्यादा नहीं, 3 ही चीज मैंने बोला है। जाओ दुकान पे कॉपी वॉपी खरीदो, कॉपी कलम खरीदो और PDF डाउनलोड करो, ठीक है, और बुक है तो बुक का अरेंज कर लो और शुरू हो जाओ भाई। ऑल दी वेरी बेस्ट, यू विल रॉक मैन 2020 फ्रेशर। सब लोग ध्यान से, कैसे नहीं जॉब मिलेगा यार, जॉब ले के रहेंगे और एक दिन सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, चिंता करने कोई बात नहीं। ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे दोस्तों, लव यू, बी कॉन्फिडेंट।